की तरफ से राम राम। आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ खट्टर सरकार को, अगर कुलदीप अंकल को कुछ हो गया तो इस सरकार की से ईंट बजा देंगे। और एक बात और कहना चाहती हूँ, जितना आंदोलन शांति प्रिय रहेगा उतना ही हम जीत के नजदीक जाएंगे। और इस सरकार की यही नीति है कि दंगे करवा के इस आंदोलन को बदनाम करके खत्म कर दिया जाए। लेकिन ये पवित्र आंदोलन शांति प्रिय था और रहेगा। और कुलदीप अंकल को न्याय दिला के ही जाएंगे। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। शाबाश शिल्लू आजा भाई। भाई देखिए कार पैर को लगे जगह आदरणीय किसान सरदारी मेरी मातृशक्ति, दो बात ही करूंगा जी। एक तो यू जो सुबेरे मोदी ने जो कहा है इसका के मतलब है देसी से मैं समझ लियो भाई कह रहा था पक्ष है नुबला जी तो काम हो गया। अगर तेरे मैस बह ही पैगी मैस तो बहगी जेर जेर रह रही है सुख शक्ति घेड़ दी बस अपना घड़ा रो रहा घूर रहा। एक बात तो यह होगी। दूसरा इस SP मैडम का कहना चाहूंगा जी मैं, अगर ज्यादा पंचायती जान दियो और जीवन में जो एक कलेक्शन सिस्टम चला है प्रशासन का जो पीस आगे लूट चला है अगर इसमें हिस्सेदारी कदे नहीं रही हो आपकी तो पंचायत के बीच में कह दो आपकी सारी बात मान लेंगे। लेकिन अगर चोरी कर रखी है तो तेरा तो आज टेम बदल गया। जिस दिन मैं पिछला दिन आए थे ना आज मुंह कुछ और थे आज मुंह कुछ और है तोड़ी ही ना मेड़ दे खाम खा मुश्किल हो जाएगी। तीसरी बात जी आपा जरूरत जावांगे आज यह आप आंदोलन जीतने का पक्ष है। अपना सबसे बड़ा काम है भाईचारा जोड़ना। किसी ने जाकर नू ना कह दियो अगर देखे जीत्या होगा ना। 36 जात का था जीत्या पक्ष भी 36 जात का धन्यवाद करना जाना इस बात का ध्यान रखना जी। यू भाईचारा जोड़ने का आपका काम है। दो बात कहना आता सभी का धन्यवाद भाई। एक घंटा का टाइम दिया था एक घंटा पूरा हो गया। मैं आज और भाषण देने को नहीं आ रहे भाई खतर आ रहे हाँ जे प्रशासन हमने बताओ भाई के बुलाओ तो नहीं बुलाओ तो नहीं अपनी कमेटी मीटिंग करके अगला निर्णय लो भाई भाषण तो बहुत हो लिए। रामफल कंडेला जी रामफल कंडेला आ गया आज यहाँ बोलने के वास्ते। इतने में अभी मीटिंग बुला लिया 5-7 मिनट किया भाई। हमने 1 बजे का टाइम दिया था शायद प्रशासन का समझ में नहीं आई बात। मेरी प्रार्थना है ये पंचायत चलती रहेगी। सभी जितने हरियाणा से संगठनों के नेताए हैं सभी किसान यूनियंस या किसानों के संगठन जितने टोल वाले भाई आए हैं या कोई धरना चला रहा है एक एक व्यक्ति वहां से और इस तरह हम अभी अभी मेरी सबसे प्रार्थना है एक मिनट सारे भाई एक बार मीटिंग कर लेते हैं क्योंकि 1 बजा टाइम दिया था ड्यूड हो गया। अभी जितने भाई बोलने वाले बोलते रहेंगे हम मीटिंग करके आगे का निर्णय ले लें। मेरी प्रार्थना सभी टोलों से एक एक और सभी संगठनों से एक एक भाई आकर के और जो यहाँ नेतृत्व कर रही थी माइड वाली कमेटी वो 2 आ सकते हैं। बाकी सारे भाई पीछे ये जो पीछे गली है इसमें एक दुकान है उसमें बैठ करके मीटिंग करा सारे भाई और आज
सभी संगठनों से एक एक और सभी टोलों से एक एक जितने टोल आ रहे हैं और मेरी भाइयों से प्रार्थना है ज्यादा संख्या नावड़ा बनाइयो ताकि खुले में चर्चा हो इसके ज्यादा ललल में फिर चर्चा नहीं हो पाती। धन्यवाद। चौधरी सोमवीर सांगवान जी अध्यक्ष सांगवान खाप 40 वो अपने विचार रखेंगे। रामफल कंडेला जी का नाम बोला था आप रामफल जी के बाद सांगवान साहब रामफल जी। आदरणीय सभापति जी किसान साथियों माताओं बहनों आज आपने सभी से सुना होगा भाई कोई चीज आपकी थोड़ी बहुत मानी गई उसकी खुशी की बात गुरु परम है जिसके अंदर आपकी बात सारे गुरु जी ने पहले ही करके दिखाई है। वह किसान जो है नी मेहनत करके कमाता है और बंट के खाता है तो इसलिए ये आपका जो है नी सारी मेहनत का असर है। अब जो आप 10 महीने तक लगातार अपने बार्डरों पर बैठे हैं और अपनी मांग को आगे रखे हुए हैं। अब साथियों एक ही बात है ज्यादा भरोसे वाली बात नहीं क्योंकि इनका जहां पर भी इन्होंने कोई बातचीत की है मोदी जी ने चाहे किसी के साथ में भी की उसका भरोसा नहीं हुआ वो पूर्ण रूप से तैयार नहीं की गई। तो इस वास्ते मैं ये आपसे भरोसा दिलाता हूँ जो ये 5 दिन रहे हुए हैं उसके अंदर आपने उसी प्रकार से अपनी ताकत को कायम रखना है और 26 तारीख के लिए 29 तारीख के लिए हर जगह से उसी प्रकार से जोर ला करके अपनी तादाद को आपने कायम रखना है क्योंकि आने वाले दिनों में इनका कोई भरोसा नहीं है। उसने ये भी बात कही है नहीं साथ के साथ अकेले मैं लोकसभा में जो है इसका बारे में विचार करूंगा और ज्यादा ये बात कही है अकबे हम जो है नी इतना नहीं मान सके थे और जो बातें हुई हैं उनको भी मैं मानता हूँ। अकबे किसान ने जो नहीं हम समझा नहीं सके नहीं समझा सके तो ये आज लोकसभा में भी समझाने की ही बात आगे रखेगा आपकी बात को मनवाने के लिए प्रस्ताव नहीं लाएगा ये गारंटी की बात है। आपने जोश के साथ में बात करनी पड़ेगी तो इसलिए आप अपनी एकता को ही कायम रखो। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपना स्थान ग्रहण करता हुआ एक नारा लगाता हूँ भारतीय किसान यूनियन। भाई हमारे पास यहाँ आप सबके बीच में कुलदीप राणा के परिवार से उनकी धर्मपत्नी और बेटी पहले भी आई हुई है बहुत वो जो मजबूत और बहादुर परिवार से वो आपके बीच में आज फिर आई है। हम आप सभी के बीच में उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और बड़ा भारी हौसला आंदोलन का बढ़ता है इनकी उपस्थिति से बहुत बढ़िया। बैठ जाओ बेटा आ जाओ सोमवीर सांगवान जी बहुत ही आदरणीय आज इस पंचायत की अध्यक्षता करने वाले प्रधान जी पूरे प्रदेश के कोने कोने से आए किसान भाइयों माता बहनों नौजवान साथियों पत्रकार छायाकार बंधु सबसे पहले तो तमाम किसान बहनों और भाइयों को ये 12 महीने से लगातार संयुक्त मोर्चे के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था उसमें आप लोगों ने कामयाबी मिली मोदी जी ने माफी मांगनी पड़ी और 3 कानून वापस लेने की गारंटी के साथ वापसी की करी इसलिए मैं भाइयों से इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं। और ये गुरु पर्व पर गुरु नानक जी द्वारा दिखाए हुए समाज को रास्ते पर चलते हुए मैं तो कहूं कि ये भगवान की कृपा से मोदी जी को सद्बुद्धि आई है। ये सरकार ने बहुत पहले मान लेना चाहिए था लेकिन सरकार की हर धर्मिता के कारण ये 12 महीने लगे। लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन की आवाज को सुना जाता है द वॉइस ऑफ द पीपल वॉइस ऑफ द गॉड जनता जनार्दन की आवाज भगवान की आवाज होती है। सरकार को पहले मानना चाहिए था लोकतंत्र के अंदर ये नहीं चलता गुंडागर्दी तानाशाही। मैं दूसरी भाई कुलदीप की जो घटना है आज 14वां दिन है मेरी प्रशासन से ये कहना चाहता हूं कि 14 दिन तक लगने के लिए इसमें ऐसी कौन सी बात थी ये संविधान के अंदर भाई 2 मिनट रुको यार 2 मिनट बोलो भी पास करिए 2 मिनट रुको भाई। संविधान के अंदर ये लिख रखा है कि कोई भी आदमी एप्लीकेशन लेकर थाने में जाएगा सीआरपीसी की धारा के तहत एफआईआर दर्ज करना
तो मुझे ये समझ में नहीं आया एफआईआर दर्ज करने में सरकार के क्या दबाव है, ऐसी कौन सी दिक्कत है एसपी साहिबान को आगे उन्होंने एफआईआर दर्ज करने में 14 दिन लगे। मैं कहता हूं कि तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज करके और इसमें निष्पक्ष इंक्वायरी करके जो दोषी है उसको कटघरे में खड़ा करके हवालात में देना चाहिए था, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। लेकिन मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं भाइयों को, आज आपकी 12 महीने से जीत हुई है, हमने मेरी एक प्रार्थना है, यह जीत का सरप और सरपकार था आपकी शांति प्रिय और अमन चैन के साथ जो आप प्रदर्शन करते, जो महात्मा गांधी और द्वारा के रास्ते पर चलते हुए जो आप आंदोलन किया, ये उसका परिणाम है। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है ठोस मजबूत फैसला ले, कोई भी फैसला ले उसका हम अनुकरण करेंगे। लेकिन यह जरूर बात करना चाहता हूं कि आवेश के अंदर आके, जोश के अंदर आके, हमने ऐसा कोई भी काम नहीं करना जो संयुक्त मोर्चे को उंगली उठने का काम करे। इसलिए आप डटे रहो, लगे रहो, हर बात को सरकार ने मानना पड़ेगा। दूसरी मैं भाइयों को एक और बताना चाहता हूं, कबीर ने भी कहा है यही वक्त ये बेला साधो ये समय जागने का। इस किसान ने पूरी दुनिया को जगा दिया। मेरे बुजुर्गों भाइयों, मैंने तो पहले भी कहा था, हर टोल के ऊपर बॉर्डर पे कहा था कि किसान की कभी हार नहीं हुई। जींद के अंदर 2 दिन पहले भी कहा था कि सरकार ने किसान की बात को मानना पड़ेगा, तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे, एमएसपी की गारंटी देनी पड़ेगी और इज्जत के साथ किसान की विदाई होगी। जब जब किसान ने आंदोलन करा 2007 के अंदर चौधरी अजीत सिंह की रहनुमाई में, पंजाब के जो शहीद भगत सिंह के हमारे चाचा, उनके चाचा जी थे, उनके रहनुमाई में आंदोलन ने कामयाबी मिली। 1938 में चौधरी छोटू राम की रहनुमाई में कामयाबी मिली, अंग्रेजों को झुकना पड़ा। 2088 और 89 में चौधरी देवलाल चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की रहनुमाई आंदोलन में कामयाबी मिली। और मेरे बुजुर्गों भाई, 2020 और 21 के अंदर तो आप लोगों ने वर्ल्ड का रिकॉर्ड बना दिया, गिनीज बुक में दर्ज करा दिया, तो किसान भाई कर दिया, ऐसा कर दिया कि आज तक कभी इतिहास में नहीं, और शायद हो सकता है कभी देखने को मौका नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आप लोगों की बदौलत थी, जिस मोदी जी को ये अहंकार था कि वो किसी की बात को नहीं मानते थे, कोई भी आंदोलन कामयाब नहीं होने दिया, सब ये आप लोगों की ताकत थी जो इस सरकार के अहंकार को चुकना चूर करके आपकी बात को मजबूर होने के लिए माना पड़ा। इसका कारण क्या था कि वो ताकत जो सृष्टि को चला रही है वो आपके साथ खड़ी है। कंधे से कंधा मिला के हम जो लड़ाई लड़े थे बेलाग लपेट होकर 36 बरादरी का, मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान के अंदर बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा बड़े संविधान को मानने वाला हर हिंदुस्तानी का आंदोलन में आज मुबारकबाद देता हूं। आप लोगों की त्याग और तपस्या के कारण आने वाली कौम, आने वाली नस्लें याद रखेंगी जो आप लोगों ने इतिहास लिख दिया। मैंने तो पहले भी कहा था, अपने जो बुजुर्ग भाई जो इसमें शामिल नहीं हो रहे उनसे भी कहा था कि इस आंदोलन के अंदर अपने भागीदारी करें, अपने आने वाली पीढ़ी बच्चे पूछेंगे दादा 2020 और 21 के आंदोलन में आप क्या शामिल हुए थे, इतिहास के पन्नों पर लिख दिया मेरे बुजुर्गों भाइयों। रही दूसरी बात, जो जो भी सरकार की जो घोषणा हुई है, जब तक इंप्लीमेंट ना हो, विधानसभा लोकसभा में पास नहीं हो, जब तक ये आंदोलन जो भी संयुक्त मोर्चा फैसला, हमने 12 महीने से संयुक्त मोर्चे के नेतृत्व में जो भी फैसला करा हमने उसका अनुकरण करना है। अपनी व्यक्ति विशेष किसी भी प्रकार की सारी बातों को छोड़ के मैं ये भी कहता हूं अभी बहुत कुछ बाकी है। हमने एकता के साथ, मजबूती के साथ 36 बरादरी के तमाम टोल के ऊपर जो हमारे नेतृत्व है उसका समर्थन करना, उनके अनुकरण में चलना है, विजय श्री हासिल करनी है। और इसमें जो सुधार हो सकता है आने वाले टाइम में किसी भी सरकार की दोबारा हिम्मत ना हो इस किसान को छेड़ने के लिए, यह मैं कहना चाहता हूं। लगे रहो, डटे रहो, और 2-3 नारे मेरे कहने से समय का अभाव है भाई, हमारे अभिमन्यु जी कह रहे हैं, लेकिन मैं 2-3 बात बताना चाहता हूं। एक तो आज से कसम खा के जाना, इस इज्जत के साथ विदाई होगी, हमने ये कसम खानी है कि कोई जाति पाति नहीं है, इंसान इंसान से काटा मार दो। इस सरकार के एक ही प्लान है, नीचे से लेकर ऊपर तक जाति पाति का जहर घोलो और अपने वोट लो। इंसान इंसान है, हमारे हिंदू समाज में, इस हिंदुस्तान में जाति पातियां कहीं जकरा नहीं है। हमें ऋषि मुनियों की संतान है, यह भगवान को शोध प्राप्त करने का केंद्र था हिंदुस्तान, यहाँ जाति पाति का जहर नफरत का सौदा कहां से आ गया, इसलिए इसके तो काटी मार दो। और 2-3 नारे मेरे कहने से जोर लगाना, लोकसभा के नहीं अमेरिका के वेडन तक ये पता चलना चाहिए ये वही आंदोलन है किसान भाइयों का जो मोदी जी को झुकना पड़ा है। 2-3 नारे मेरे कहने से लगाना, आपकी आवाज हर टोल के ऊपर, हर बॉर्डर के ऊपर, हर किसान भाई के अंदर, हर हिंदुस्तानी के अंदर और विदेशों तक ये आवाज आए कि आंदोलन हो तो सीखना हो तो किसानों से सीखे हिंदुस्तान के अंदर, ये वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाया। 2-3 नारे मेरे कहने से लगाना, किसान एकता, किसान एकता, आप
लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। भाई पंगाल गांव के जो हमारे साथी आए हुए हैं, कोई महत्वपूर्ण विषय है उनके गांव के ही साथी एक बार पीछे बुलाना चाह रहे हैं उनको, तो पंगाल गांव के जो साथी हैं एक बार वो पीछे आ जाओ, उनके गांव वासी क्या कह रहे हैं एक बार वो सुन ले। अपने बारह खाप से मास्टर राजकुमार जी भी आए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में संयुक्त किसान मोर्चा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, उनको भी हम सुनेंगे। एक बार मैं बुलाना चाहूंगा अनीता सुदगन जी को, वो आए अपनी बात रखे, और उसके बाद हम सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी को सुनेंगे। आदरणीय अनीता सुदगन जी आए और अपनी बात रखे, और तमाम भाइयों से एक विनती हाथ जोड़ के भाइयों पीछे ये धक्का मुक्की भीड़ भीड़ ना करें, अपन आगे आराम से आगे आगे बैठ जावे, आराम से अपनी सारी बात सुनेंगे। अनीता सुदगन जी सभी किसान परिवार को मेरी हाथ जोड़ के राम राम, मेरी मातृ शक्ति थे मेरी हाथ जोड़ के राम राम। भाई यह बात होगी मोदी तो झुक गया, और जाति पाति की बात आ रही है, जाति दो है एक नर की एक नारी की, और धर्म एक है इंसानियत का, अपने बीच कोई जाति पाति नहीं और कोई धर्म नहीं, एक धर्म है इंसानियत का, ओए ना छोड़ियो, अपना 36 बिरादरी का भाईचारा था वो नारा गुंजे है, और मोदी की पिंडी कैम्बिया करती सुना रहते हैं, और इसे खतरा अपनी आज जीत हुई है, और बाकी इस पर पे विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि यू झूठा है, बैरूबिया है, इसकी अपने कोई नू नहीं है कि भाई यह बात सच्चाई होगी। जिस दिन संसद में यू बिल पास कर देगा कि ये कानून रद्द हो गए, उस दिन अपने यकीन हो जाएगा, उस दिन आप उठ के घर जावेंगे, अपने वोटरों पर पूरी ताकत रखो, अपने आंदोलन पर पूरी ताकत रखो, कदे नु सोचो अज खुशी होगी बैज लिए ना, अपने गल छल कपट कर देना, इस 7 साल हो गए और भी कर देना, इस पर विश्वास ना करियो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हम सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी को अभी थोड़ी देर के बाद सुनेंगे, क्योंकि अंदर एक बार वो मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो जो बातचीत करनी है कि आगे की रणनीति जिसमें बनानी है, तो उसके बाद हम उनको सुनेंगे। अब मैं निवेदन करता हूँ मुकेश खासा जी को, वो जहां भी हैं यदि उनको मेरी आवाज सुन रही है तो आदरणीय मुकेश खासा जी आ जाए। भाई सबको हाजिरी लगानी है सिर्फ अपनी, दो दो मिनट में अपनी बात रखनी है, ज्यादा कोई समय ना ले, इसलिए सब साथियों से मेरा निवेदन है, मुकेश खासा जी मीटिंग में ये बता रहे हैं, मेरा निवेदन है आदरणीय पूनम कंडेला जी से, वो आए और दो ही मिनट में अपनी बात रखें, उसके बाद कैप्टन रणधीर चहल जी तैयार रहे, सबको अपनी सिर्फ हाजिरी लगवानी है। मेन बात है कि भाई कुलदीप राणा को हम न्याय दिलवाने के लिए आए हुए हैं, इसलिए सारे साथी अपनी हाजिरी लगवाते जाए, मुझे किसी को भी ना टोकना पड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखे। आदर व सम्मान के योग्य मेरे किसान नेता व मेरी दुर्गा शक्ति, सबसे बड़ी बात है मोदी की, जो अपना कदे मतलब कदे आतंकवादी कदे खालिस्तानी, मतलब जो किसानों ने नहीं बोलिया वो बोलिया है, और आज अपनी अति जीत होगी, मैं तो यह बात कहूँ आने वाला टाइम में अपनी पूरी जीत भी होगी, और मैं मेरी किसान कौन इतनी बढ़िया कौम है, क्योंकि सरकार ने, क्योंकि सरकारी टीचर हो या कोई भी व्यापारी हो या छोटा व्यापारी दुकानदार, हर किसी पर अत्याचार कर रहे थे, लेकिन अपनी किसान कौम 11 महीने में वोटर पर डटी रही और अपनी जीत पे पूरी पहुंचाएंगे, क्योंकि अपनी कौम इसी है जो हर मुसीबत में गढ़ सके।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा कैप्टन रणधीर चहल जी को, यदि उनको मेरी आवाज आ रही है तो आदरणीय कैप्टन रणधीर चहल जी। बहुत ही मान सम्मान और आदर के योग आज के अध्यक्ष मलिक साहब, सरसा जी, बहन गोयत जी और पूरे हरियाणा के गांव से आए हुए मेरे पिता तुले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मातृ शक्ति, आज जो हम इकट्ठा हुए हैं भाई कुलदीप को न्याय दिलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, इस सरकार को बार बार चेतावनी के बाद सरकार की कानों के ऊपर रूली जामरी। आपको पता है आज प्रधानमंत्री ने एक जुमला और दिया है कि हमने कानून रद्द कर दिए, जब तक यह विधायिका के अंदर पास नहीं होगा राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे, एमएसपी पे गारंटी मिलेगी, किसान वापिस नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आप आए, आपके एक ही बात करना है, इस एकता को बढ़ा के रखना है, जब भी हिम्मत हो, क्योंकि सेना का जवान और किसान जो इस देश की रक्षा करता है, जो पेट भरने का काम करता है, आप सब उनके पैदा हुए हो, जो आदमी हल पैदा करता है उसकी हिम्मत है। लगातार एक साल से हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप आए, आपने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बहुत बढ़िया तरीके से एक और दो मिनट के बीच में सारे अपनी हाजिरी लगाने लग रहे हैं। एक मेरा निवेदन है, मैं अगले वक्ता को बुलाऊं भाई सोनू मालपुरिया जी को, जहां भी उनको मेरी आवाज सुन रही है, भाई सोनू मालपुरिया जी एक बार आ जाएं भारतीय किसान यूनियन पानीपत की तरफ से। और मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं साथियों, भाई जिस तरीके से यहां जो बात कही जाती है कि हर संगठन से एक व्यक्ति, हर टोल से सिर्फ एक व्यक्ति बुलाया गया, तो कोई भी किसी भी संगठन से किसी भी टोल से दो आदमी ना जाए, यह अनुशासन हमने दिखाना पड़ेगा। यह हमने फैसला करा कि हम आपके बीच में रहेंगे, हम आपके बीच में, मैं आपके बीच में हूं भाई। हमने अपने साथियों पर इतना विश्वास है कि वो जो फैसला ले होंगे, जो बातचीत करेंगे वो बिल्कुल ठीक करेंगे। जब हमने अपने सारे साथियों पर विश्वास है तो वहां पे भीड़ बढ़ाकर हम क्या करेंगे यार? एक बात बताओ, आप जो भाई आपके जा रहे हैं उनके ऊपर अपने विश्वास है या नहीं, एक बार हाथ ऊपर करके बताओ सारे के सारे। आपने पूरे संयुक्त किसान मोर्चा पे विश्वास है ना? आपने विश्वास, तो फिर चाहे हमारे 10 साथी जाओ या 5 साथी जाओ या 20 साथी जाओ, ये कोई मुद्दा नहीं है। हमने अनुशासन दिखाना होगा, सारे के सारे मुझे जाके नहीं बैठ सकते। यदि प्रशासन से बात करने की नौबत आती है तो जो हमारे साथी तय करें वे साथी आकर बात करने के लिए जाओ भाई, हम आपके बीच में रहेंगे, यह हमारा फैसला है। तो इसलिए कोई भी साथी जिनका नाम लिया जावे सिर्फ वे जावे, ज्यादा आगे भीड़ बढ़ाने का काम ना करें, ये आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है। मैं निवेदन करता हूं भाई सोनू मालपुरिया जी, अच्छा भाई सोनू मालपुरिया मीटिंग में गए, उसके बाद मैं बुलाना चाहता हूं हमारे भाई अमित सांगवान जी को, जो हमारे